अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बस रमज़ान मुबारक आ ही गए हैं, बस एक दिन रह गया है और बस सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हम लोगों ने भी की है, मैंने पार्ट वन में डाला था थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें लगे हुए हैं सब लोग, बिजी है घर पर। तो फिर जो है सब लोग बस मिलकर कर लेते हैं जितनी भी हम लोगों ने तैयारी की है। तो जो है रमज़ान में इतना मतलब वक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोग जो है अपनी इबादत में लगे हुए होते हैं और फिर जल्दी जल्दी सारे काम करे जाते हैं। तो ये है कि छोटे छोटे काम अगर पहले से ही करके रख लिए जाएं तो टाइम मतलब मैनेज हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में होता है, काम तो सभी के यहाँ होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है थोड़ी सी प्याज वगैरह जो है फ्राई करके रख ली थी, और घर में जो है सब ग्रोसरी वगैरह हो रही थी, रमज़ान की तैयारियां चल रही थी, सब जो है कंटेनर्स वगैरह फिल करके रखे जा रहे थे ताकि हैंडी हो जाए सब कुछ। तो बस हम लोगों ने भी अपना जो है यूज़ का सामान सब सेट करके रख लिया ताकि रमज़ानों में जो है ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। फिर जो है हम लोगों ने जो है थोड़े से जो है चने वगैरह बॉयल करके रख लिए थे। तो जो चने हम लोग बॉईल करके रख सकते हैं आराम से, 1 वीक आराम से चल जाते हैं, 1 वीक या 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हैं उसको हम लोग फ्रीज करके। तो जो है मैंने जो है ये सुबह में चने वगैरह भिगो दिए थे पानी में, गर्म पानी में भिगो दिए थे मैंने ये। तो ये अच्छे से सूखने के बाद जो है मैंने शाम को जो है ये प्रिपरेशन की थी सब, दाल वगैरह जो है मैंने दही वड़ों के लिए दाल भी मैंने जो है भिगो कर रख दी थी। तो ये है कि 2-3 तरीके की जो है चीज़ें हो जाती हैं खाने के लिए, तो रमज़ान में अच्छा लगता है और दिल भी करता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। तो जो है भाभी ने शाम में दाल वगैरह ग्राइंड करके रख ली थी अच्छे से, जो मैंने दाल भिगोई थी सुबह में उड़द की धुली दाल। तो उसके बाद जो है ये अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसको खूब मतलब फेटा जाता है इसको खूब अच्छे से, जब तक कि एकदम फ्लफी ना हो जाए। एंड उसके बाद जो है मैंने चने वगैरह बॉयल करने के लिए रख दिए थे कुकर में, और ये इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद जो है मैंने फिर एक जिप लॉक बैग में इसको जो है फ्रीज़ कर दिए थे। इसको हम बस इजीली निकाल लेंगे और अपने गर्म पानी में डालेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे सैलड वगैरह बनाने के लिए, या फिर नॉर्मली जैसे भी मतलब जिसको पसंद हो चाट बना सकते हैं इसकी। इसमें पोटैटो वगैरह डालकर हम अच्छे से चाट वगैरह बना सकते हैं। और ये देखिए सारे हमारे जो हैं दही वड़े तैयार हो रहे थे इधर, और इधर एक तरफ जो है हमारे यहाँ पर मैंने जो है चने रख दिए थे बॉयल करने के लिए। और सारे चने वगैरह बॉईल होने के बाद और दही वड़े वगैरह सब जो है बनाने के बाद जो है हम लोगों ने फिर जो है बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि इतना हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और फिर उसमें टाइम निकालना इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो जो है अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो है ऐसे ही आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए मिलती रहेंगी। और ये जो है वली मुझे परेशान कर रहे थे, तो फिर जो है मैं वली को लेकर खड़ी हो गई थी। इधर जो है भाभी सारे दही वड़े वगैरह जो है निकाल रही थी। एंड उसके बाद जो है मैंने चाय बना ली थी। एंड रात में चाय पीने के बाद जो है मैंने अली को सेल्फ स्टडी कराई, क्योंकि अली के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑफ कोर्स काम भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड उसके बाद जो है चलिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि रमज़ानों में जो है ना अपना सेल्फ केयर का जो है थोड़ा सा रह जाता है, तो सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, अपनी ओरल हाइजीन वगैरह, अपना जो है ब्रश वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये मतलब होता है कि रमज़ान में ब्रश नहीं करना चाहिए, पेस्ट वगैरह मुंह में चला जाता है। तो मेक श्योर कि जैसे ही आपका जो है सहरी हो, सहरी करने के बाद फ़ौरन बाद आप लोग जो है अपना ब्रश कर लें, और सुबह को उठने के बाद थोड़ा सा अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकालें, उसमें जो है अपनी थोड़ी सी स्किन केयर वगैरह कर लें। तो मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अपने लिए, अंडर आई क्रीम है ये, उसकी कैफीन की अंडर आई क्रीम है ये, कॉफ़ी कैफीन की। तो ये देखिए ये कैफीन की अंडर आई क्रीम है, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है। एक के साथ 1 बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र था ये इंस्टा पे शो कर रहा था,
तो ये मैंने मंगाया है, बस इसका कुछ नहीं है, इसको निकालना है। निकालने के बाद इसको जो है बस सिंपली इसको पंप करना है, और पंप करने के बाद बस ये अच्छे से निकल जाती है। निकलने के बाद इसको बस अपने अंडर आई के नीचे आपको इसको रोल ऑन करना है। रोल ऑन करने के बाद बस ये ड्राई हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में अंडर आई के नीचे। और बस ऐसे ही यूज़ करिए, अपने अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से। एंड सब जो है दुआओं में याद रखिएगा, पूरा महीना दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और अल्लाह हाफिज़।